तो मेरी असली जर्नी की शुरुआत हुई कॉलेज में। पापा मम्मी ने मुझे मेरा पहला लैपटॉप लेके दिया और उस 25,000 के i3 ने मेरी इंटर्नशिप जॉब सब लगवा दिया। कॉलेज के पहले साल मैंने सी और C++ किया, थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर्स कॉलेज वालों ने सिखाया। सेकंड सेम में HTML, CSS, JavaScript, Node.js और SQL छान मारा और ये समझा कि वेब डेवलपमेंट जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं बॉस। फिर हर प्रेशर की तरह मैं भी निकल गई इंटर्नशिप ढूंढने। एक स्टार्टअप के लिए थोड़ी PHP सीखी और उसमें काम किया, फिर थोड़ा बैक एंड थोड़ा फ्रंट एंड करके 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाए। फिर आया सेकंड ईयर। अब शुरू तो प्लेसमेंट के लिए किए थे पर अब मजा आ रहा था। ये वो साल था जब कॉलेज ने एल्गोरिदम, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, माइक्रो प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स सारे तोड़ू सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए। एक सीनियर ने कह दिया कि कंपनी में जावा ज्यादा यूज होती है तो कोडिंग में C++ से जावा में शिफ्ट हो गई। अब दिन में क्लासेस, रात में हॉस्टल रूम में कोडिंग, ज़करबर्ग को फेसबुक बनाते टाइम जो फील आई थी ना, उससे ज्यादा नहीं तो उतनी फील तो हम भी ले रहे थे। इसी बीच एक व्हाट्सएप ग्रुप पर माइक्रोसॉफ्ट के एक ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आया। मैंने अप्लाई किया, टेस्ट दिया और हैकेथॉन के लिए शॉर्टलिस्ट हुई। हैदराबाद में हैकेथॉन क्लियर किया और एक महीने बाद आया माइक्रोसॉफ्ट के इंटर्नशिप का कॉल। इंटर्नशिप में पता चला कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिस जो होते हैं ना, वो फोटो से ज्यादा असली लाइफ में सुंदर लगते हैं। मेरा इंटर्नशिप प्रोजेक्ट क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड था और मैंने Q#, C#, .NET और TypeScript सीखी। 2 महीने में पता चल गया कि कोडर्स गिरगिट जैसे होते हैं, कब कौन सी लैंग्वेज सीख के उस पे काम करने लग जाएं किसी को कुछ पता नहीं चलता। इंटर्न करने के बाद मुझे अगले साल के लिए इंटर्नशिप ऑफर मिला एंड आई वाज बैक इन दिल्ली। थर्ड ईयर थोड़ा मस्ती वाला था जब मुझे चीजें एक्सप्लोर करनी थी। कुछ महीने लगा के मैंने पाइथन एंड मशीन लर्निंग सीखी और DRDO में इंटर्नशिप की। वहां जाकर पता चला कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेट कंपनीज से कितनी अलग होती है। काफी साइंटिस्ट से मिली, फ्यूचर ऑप्शन डिस्कस किए, एक डिपार्टमेंट हेड के अंडर 6 महीने का एक्सटेंडेड ऑफर भी मिला, पर कॉलेज क्लासेस की वजह से छोड़ना पड़ा। अगले सेमेस्टर अपनी एक प्रोफेसर के साथ मैंने डेटा पर काम किया और एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया एंड फिर आया लॉकडाउन। शुरुआत में लगा बिजी लाइफ से ब्रेक मिल गया तो कोडिंग स्किल्स बेटर कर लिए, पर धीरे धीरे समझ आया कि बची हुई कॉलेज लाइफ अब गूगल मीट पे कटेगी। इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट में एक और इंटर्नशिप की ऑनलाइन। इस बार का मेरा प्रोजेक्ट गो में था और मैं एक साथ 3 टीम्स के साथ काम कर रही थी। इंटर्नशिप के एंड में PPO इंटरव्यू दिया और मैं बन गई एक अपकमिंग माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर। इसके साथ ही गूगल ने एक 2 महीने के प्रोग्राम का इन्विटेशन भेजा जिसमें हमने जावा में एक प्रोजेक्ट बनाया। अब इन सारी इंटर्नशिप्स में बेस्ट चीज जो मुझे मिली वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, गाइडेंस थी। जितने भी मेंटर्स मेरे पास थे उन्होंने मुझे करियर रिलेटेड सही डायरेक्शन दिए और सक्सेस के मल्टीपल पाथ्स दिखाए। अब इसके बाद की जर्नी तो ऑलरेडी यूट्यूब पे है। आपके अमन भैया का कॉल आया बिकॉज ऑफ माई रियलाइज की असली वैल्यू एड तब होगी जब जो चीजें मैंने गलतियां करके सीखी हैं वो मैं दूसरों को सिखा पाऊँ। फिर करीबन 6 महीने माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहने के बाद आई रिजाइन। कोडिंग तो पसंद थी ही, उसमें मैंने टीचिंग को भी जोड़ दिया। जितनी खुशी मुझे टेस्ट केसेस पास करने में होती थी अब उससे ज्यादा तब होती है जब मेरे स्टूडेंट्स के टेस्ट क्लियर होते हैं। इस पूरी जर्नी में मेरी लर्निंग यही थी कि सब कुछ ट्राई कर लो और हर चीज को करने में जान लगा दो। पैशन वो नहीं है जो कुछ बड़ा करते हुए फील होगा, पैशन वो है जो हर एक छोटी चीज को 100% देकर करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो ये थे मेरे कोडिंग के 4 साल जिन्होंने मुझे सिर्फ कोडिंग नहीं लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए। स्कूल, कॉलेज, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, टीचिंग, बहुत सारे फेजेस आ चुके हैं और बहुत सारे अभी आने बाकी हैं। पर हर फेज में चाहे कितने भी बग्स आए, कितनी भी एक्सेप्शंस आए, ये जरूर पता है कि हर फेज में कुछ नया, कुछ अलग, कुछ एडवेंचरस जरूर होगा।